नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, आज दरभंगा नगर निगम के बोर्ड की बैठक है, लेकिन सबसे पहली खबर हम ये दिखा रहे हैं कि जो बोर्ड की बैठक में जो मेयर अंजू माला है, उनके बगल की कुर्सी खाली है, जो नाजिया हसन डिप्टी मेयर की है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर डिप्टी मेयर आज क्यों नहीं है। कल वो रोते रोते कितनी कमजोर डिप्टी मेयर हो गई है, जो रोते रोते कहती है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कुछ पार्षदों ने मेरे साथ मिलकर अन्याय किया। तो देखिए, आखिर डिप्टी मेयर आखिर कहना क्या चाहते हैं, उनके पीछे का तथ्य को समझिए। पूरा मामला मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता को कुछ बताने चाहती हूँ। मामला कुछ नहीं है, कल की बैठक है, बोर्ड की बैठक है, 4-5 महीने पे दूसरी बोर्ड की बैठक हो रही है। तो कल की जो बैठक है, उसी सिलसिले में कुछ सभी पार्षदों को सूचना तो सभी पार्षदों को गया था, कुछ पार्षदों आए मौजूदगी में, उनके साथ है ना कल की वार्ता के लिए, कि कौन कौन मुद्दा मेन होना चाहिए जो जनता के हित के लिए हो, इसी पर विचार विमर्श करने के लिए एक धर्मशाला में बैठक थी। तो थी बहुत ही अच्छा, सब बातें अपनी अपनी रख रहे थे, PhD का, बुको का, सबका अपना अपना प्रॉब्लम हर वार्ड का बता रहे थे। कुछ अधिकारी के साथ अगले मीटिंग में सो बदतमीजी भी हो गई थी, उस पर भी डिस्कस हो रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस डिस्कस के बीच ही में एक हमारे पार्षद प्रतिनिधि, हम तो उनका नहीं कहेंगे, सबसे पहले तो हम आपके चैनल से ये पूछना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट या हमारे सरकार को स्कीम निकालती है कि महिलाओं को आगे प्रेरणा देना है, महिलाओं को आगे बढ़ना है, तो हमारी माँ बहनें बेटियाँ को इतना हिम्मत और हौसला है कि वो आगे बढ़ सकती है, लेकिन उसके जो पीछे जो टट्टू रहते हैं वो उनको बढ़ने नहीं देते, रिमोट कंट्रोल बनाना चाहते हैं। मैं रिमोट कंट्रोल नहीं हूँ, मैं अपना निर्णय, अपना जो भी विचार है, मैं खुद प्रकट रखती हूँ और मैं फैसला करती हूँ। तो वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जो थे, कुछ वो बीच में कुछ कुछ बोलना चाह रहे थे, तो मैं हमारे जो मंत्री महोदय हैं रिंकू जी, हमारे स्थायी समिति के, तो मैंने उनको कहा थोड़ा सा आप रुक जाइए, हमारे पार्षद महोदय को कुछ बोलने दीजिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको मौका दिया बोलने के लिए कि जी बोलिए। वो बोलना नहीं, उनका पूरा माइंड मेकअप था, 3-4 वार्ड पार्षदों का इतना माइंड मेकअप था कि ये अपने मन से क्यों कोई काम करती है, क्यों कोई योजना डालती है, क्यों हमारे वार्ड में आके इंटरफेयर करती है। तो मैं आपके चैनल से पूछना चाहती हूँ, आपके जरिए अपने गवर्नमेंट से, अपने सरकार से भी पूछना चाहती हूँ, विकास मंत्रालय में भी अगर ये चला जाता है तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये जो चुनाव में अपना यूज़ करी थी, जैसे मेरा अपना खुद का योजना है, मेरा खुद का कुछ स्कीम है कि ये उप महापौर जी को ये चीज़ मिल रहा है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, अपना कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ, उसी हिसाब से हमें 2 समरसेबुल मिला। तो मैंने 2 समरसेबुल पहले अपने एक वार्ड 38 के लिए सोचा, लेकिन जगह नहीं होने के कारण मैंने वो 22 नंबर वार्ड, जो पब्लिक बहुत परेशान थी, 22 नंबर वार्ड और एक 40 नंबर वार्ड अविनाश का, उस वार्ड में मैंने अपना दोनों समरसेबुल योजना लिखित आवेदन दे दिया। उसमें उन पार्षद में से कोई पार्षदों को बहुत खुशी हुई कि नाजिया ने कोई जाति धर्म देख करके नहीं, उनको जो समझ में आया बहुत अच्छा काम किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे पार्षद हमारे, बहुत सारे ऐसे पार्षद हैं जो मेरे काम को देख करके बहुत खुश है कि इसके माइंड में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, लेकिन कुछ पार्षदों को इतनी प्रॉब्लम मुझसे है कि वो हमारे वार्ड में आके क्यों हस्तक्षेप की, हमारे वार्ड में आके क्यों ये योजना अपने मन से दी, हमको से पूछी नहीं, मेरे साथ चली नहीं, मेरे साथ कदम हमने जगह चिन्हित नहीं किया, यानी कि उनका पूरा मेकअप था, यानी माइंड मेकअप था हमारे साथ अभी इस तरीके का प्लानिंग के तहत कि वो अगर आपा खो बैठते तो वो जो चेयर पर बैठ करके आप हाथ भजा रहे थे, ऐसे ऐसे दिखा रहे थे, वो चेयर उठा करके मेरे पे मारने के लिए हुई, यानी कि माइंड मेकअप था कि इनके साथ अशब्द बदतमीजी जो भी हो, लेकिन वहाँ पे रोकने के लिए कोई नहीं था। मैं अपनी बातें वहाँ पे रख रही थी और वहाँ पे बार बार अनुरोध कर रही थी कि ये प्लानिंग के तहत आप लोग मुझे बेइज्जत करने के लिए यहाँ पे बुलाए हैं, पूरी सोच समझ के प्लानिंग कर करके मैं बार बार यही बोलती रही कि आप लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हैं कि मुझे प्लानिंग के तहत यहाँ पर बुला करके आज सभी पार्षदों के बीच में कुछ पार्षद प्रतिनिधि और कुछ पार्षदों से मुझे बेइज्जत कर। इंसान हूँ मैं, आम इंसान बन के संघर्ष करके गई हूँ जनता के लिए कुछ करने का,
लेकिन जब मैं वहाँ पे जाती हूँ, जब मुझसे नहीं हो पाता है, तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि मैंने इतना संघर्ष करने के बावजूद मैं अपनी पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जब उनको बार बार आधार कार्ड के लिए, बार बार उनको जन्म पत्री के लिए, बार बार उनको एक आवास योजना के लिए पूछने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए आते हैं, जब उनको मैं निराश होकर के, यानी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर संघर्ष करके भी लगता है बेकार हूँ, मुझ में वो शक्ति नहीं है, मुझ में वो पावर नहीं है। मैं चोरी करने नहीं गई हूँ, मैं अपने बलबूते पे गई हूँ, बड़ों के दुआओं के साथ, छोटों के साथ हौसला हिम्मत के साथ गई हूँ समाज के लिए कुछ करने का। जो अपने खास तौर से जो गरीब पब्लिक है, जो हमारी गरीब जनता है, जो बहुत सारी चीज़ें मैं बार बार बोलती हूँ कि बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं, बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जो नगर निगम के माध्यम से हम जनता के बीच में ला सके, लेकिन जब मेरे हाथ में वैसा पावर नहीं है, मेरे हाथ में वैसा पावर नहीं है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे इतना संघर्ष करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और रहा कि मुझे कोई जन वार्ड पार्षद नहीं चुन के लाए, मैं पूछना चाहती हूँ समर्थो वोटिंग जो मेयर डिप्टी मेयर का हुआ है, कोई पार्षद चुन के नहीं लाया कि मैं दब के रहूंगी, मुझे जनता चुन के लाई है। अब मैं जनता के हित के लिए रोने का कारण ये है कि वहाँ पर बड़े होकर के भी मेरे साथ अपमान हो रहा था, उन्होंने मुझ वहाँ पर चाहते तो रोक सकते थे, वहाँ पर चाहते तो ऐसा कुछ होने नहीं देते। पहले नगर निगम में हमारी मेयर साहिबा, स्थायी समिति के जो हमारे मंत्रिमंडल हैं, वो सब थे, अपनी आवाज़ से चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन मैंने बार बार कहा यहाँ पर प्लानिंग के तहत मुझे बुला करके बेइज्जत किया जा रहा है। प्लानिंग के तहत अगर संयम नहीं मैं रखती, मैं वहाँ पर से नहीं निकलती, तो एक मिनट भी नहीं होता वो वार्ड पार्षद सब मुझ पे हाथ, प्रतिनिधि मुझ पे हाथ भी उठा सकते थे। इसलिए मैंने अपनी लाज बजाते हुए वहाँ पर से मीटिंग को स्थगित करते हुए मैं निकल गई। कम पाँच छः पार्षद ऐसे थे, वैसे मुझे पता है चार पाँच नहीं दस दस आठ नौ खेमों की है इन लोग की टोली जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा। देखिए किसी एक का नाम लूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा क्यों ली, मेरा क्यों। एक समझिए कि एक नारी का उनका भी अपमान हुआ है, एक बात समझ जाइए कि मेरा अपमान उनका ही नहीं शामिल होगी। जहाँ पर मेरा आज मेरे साथ अष्टाचार हुआ है, बदतमीजी हुआ, कल कौन ठीक है कि वहाँ पर आपा खो करके मेरे साथ और बदतमीजी करें। तो इसीलिए मैं बोर्ड की मीटिंग में कोई शामिल नहीं हूँ। जी पार्षद मेरा विरोध इसलिए कर रहे थे कि मैं डोर टू डोर हर वार्डे वार्ड जहाँ पर फोन आता है, जहाँ पर सूचना आता है, तो मैं वहाँ पर जनता के मिलने के लिए, जनता की समस्या सुनने के लिए, उनका समाधान आगे तक फॉरवर्ड करने के लिए, नहीं अगर मेरे से हो सकता है तो समाधान करने के लिए मैं जाने का पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो जाति धर्म देख करके कर रही हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने कब कोई जाति धर्म देख करके काम किया है, लेकिन मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मुझ में वो कभी भी कैपेसिटी। आज मैं डिप्टी मेयर हूँ, आज मैं पाँच साल सात साल से मैं वर्ल्ड में वर्क करती हूँ, अपने बलबूते पे मैंने एक सोशल वर्कर बन के पहचान बनाई है, तो मैंने कभी कोई जाति धर्म देख करके सोशल वर्कर वाला काम नहीं किया। नगर निगम में गई हूँ तो कोई जाति धर्म देख करके, लेकिन इतना बड़ा आरोप मुझे लगाया गया कि मैं जाति धर्म देख करके। आप मुझे बार बार कह रहे हैं कि घेराव करेंगे आपको, अपने वार्ड की जनता को ला करके आपके साथ शब्द करेंगे, तो करें ना भाई, अगर मैं गलत हूँ तो करें मेरे साथ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि महापौर महापति महापौर चाहती तो रोक सकती थी, उनसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज महापौर ने भी मुझे बार बार कहा जाता था कि विपक्षी खेमा में हो, मुझे विपक्षी खेमे में उन्होंने शामिल करने के लिए न्योता उन्होंने दे दिया। ठीक है, अब मैं ना खाऊंगी, ना खाने दूंगी, ना चोरी करने दूंगी, ना चोर बनूंगी। आपके माध्यम से बता देना चाहती हूँ, ये मेरे जो आंसू है ना, अंगारे बनेंगे, अंगारे आने वाले, अभी सिर्फ 6 महीना में ये अंगारे बने हैं, अभी 5 साल की राजनीति है, 4.5 साल बचा है, कैसे कैसे चोर का मैं पोल खोलूंगी, बस तैयार रहिएगा। अब दूसरा जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, आपको एक एक चोर का नाम बताऊंगी, बहुत जल्दी होगा, बहुत कुछ होने वाला। चलिए नाजिया हसन को आपने सुना, सवाल ये है कि आखिर नाजिया हसन जो कि दरभंगा की दूसरी नागरिक कही जाती है, वो इतना कमजोर क्यों है। दूसरी बात ये है कि नाजिया हसन जब दूसरे वार्ड में जाकर के इंटरफेयर करती हैं और कहा जाता है कि वहाँ उन्होंने अपने तरीके से किया, तो स्वाभाविक है कि वहाँ उस वार्ड के लोग पार्षद को कहेंगे कि आपका वैल्यू नहीं है, हम तो डायरेक्ट नगर निगम में डिप्टी मेयर से ले आए। तो इसे लेकर के पार्षदों का आक्रोश था, जो कि आज बोर्ड की बैठक में होने वाला था हंगामा, लेकिन उसे एक दिन पहले ही सभी की बैठक में उसको शांत करने का प्रयास किया।
लेकिन सवाल यह है कि नाजिया हसन की बात समझनी चाहिए कि वो अगर जाती हैं किसी वार्ड में तो जब पानी लगता है तो उस समय कहाँ आप रहती हैं, जब घर घर में पानी घुसा रहता है तो उस समय क्यों नहीं जाती हैं उस वार्ड में जाकर के जनता के बीच में जाती मदद करती, और आप जब अपना कार्यक्रम करती हैं जब आपको आक्रोशित होती है जब आपको रोने लगती हैं तो आपको बस कुछ लोगों की याद आती है। ये बात हमेशा याद रखिए, जनता तक अगर पहुंचना है तो आपको निष्पक्ष बनना पड़ेगा और निष्पक्षता के साथ आपको अपने मुद्दे रखने पड़ेंगे, तभी जनता आपको समझेगी कि आप डिप्टी मेयर। धन्यवाद।